शिक्षोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वर्ष भर जो खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधि आयोजित की जाती है उन छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। वे छात्राएं भी पुरस्कृत होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में बीए पार्ट प्रथम, बीए पार्ट द्वितीय और बीए पार्ट प्रथम तृतीय में प्रथम रही है। तीनों वर्षों में जिसने महाविद्यालय को सर्वाधिक अंक जैसे जिस छात्रा ने प्राप्त किया है उसको भी पुरस्कृत किया जाता है। और इसमें विशेष रूप से हमारे गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय के विभिन्न पर्व जयंतियाँ उत्सव होते हैं और गायत्री परिवार की जो विधा आचार्य श्री ने जो बताई है, गायत्री मंत्र है, अखंड जप है, ध्यान है, साधना है, गायत्री यज्ञ है, उनसे जो छात्रा जुड़ जाती है, आत्मसात करती है, जीवन में उतारती है, उस छात्रा को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य पुरस्कार दिया जाता है। जो छात्रा स्नेह सलीला के रूप में सबके साथ तालमेल बिठा के जो काम करती है, सेवा कार्य में अव्वल रहती है, उसको वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा पुरस्कार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो और बिना दलीय आधार पर छात्र संघ के चुनाव होते हैं। वह छात्रा जो प्रथम वर्ष से ही संकल्पित होती है कि मुझे कुछ महाविद्यालय कुछ करना है, वो छात्रा तृतीय वर्ष में आकर वो खड़ी होती है और उसमें सर्वाधिक मतों से जो जीतती है और वो बहुत अच्छे साल भर काम करती है, वही छात्रा अधिकतर हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ छात्रा के रूप में पुरस्कार लेकर जाती है। तो इस तरह से प्रतिवर्ष गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय पुष्कर वार्षिकोत्सव और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ में और ये पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित करता है। इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि थे? इसमें आज के समारोह के मुख्य अतिथि है डॉक्टर के शर्मा, जो शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, और इसके अलावा गायत्री शक्तिपीठ परिवार से जुड़े हुए शिक्षा समिति के सदस्य हैं, अजमेर के जो कुछ परिजन हैं, अभिभावक हैं
और महाविद्यालय की समस्त छात्राएं। आपका नाम कल भी कुछ कार्यक्रम है? हाँ, कल बीए पार्ट थर्ड की छात्राओं की विदाई है, बीए पार्ट प्रथम और द्वितीय विदाई समारोह आयोजित कर रहा है। तो उसके लिए कोई सांस्कृतिक आयोजन? हाँ बिल्कुल, उसके लिए आज के कार्यक्रम में तो क्योंकि पारितोषिक वितरण होता है तो इस वजह से कार्यक्रम थोड़ा कम है। कल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की छात्राओं के बहुत रंगारंग कार्यक्रम है, बहुत से एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ, एकल नृत्य भी है, सामूहिक नृत्य भी है।